गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेवंथ क्लास का जो चैप्टर है मोशन एंड टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास है हमारी सेवंथ और जो साइंस का चैप्टर है उसका नाम क्या है? मोशन एंड टाइम। मोशन में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? रेस्ट और मोशन क्या होता है, तो पढ़ते हैं हम रेस्ट और मोशन के बारे में। पहले एक काम करो, पहले अपनी नोटबुक निकालो और एक पेन भी निकालो। अब टेक्स्ट बुक निकालो। अब देखो 11 चैप्टर निकालो। निकाल लिया? जैसे मैंने कल वर्ल्ड मीनिंग भेजे थे आपको, आपको राइट कर लिए होंगे वो। देखो मोशन भेजा था मैंने, मोशन मीन्स गति होती है, स्पीड में चाल होती है, ये मैंने भेजे थी तो आपने वो पढ़े होंगे। आज उसी चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। रेस्ट, अगर रेस्ट क्या होता है, दो पता होना चाहिए। पहला है रेस्ट क्या होता है, चलो आपकी लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर आप मेरे को कह दो आप खेलते हो, कई बार आपने देखा होगा कि आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आप खेलते हो, कह देते हो किसी बच्चे को, कहते स्टैचू, तो वो ऐसे खड़ा हो गया। अब फिर उसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कहते हैं रिम। तो वो अब वो क्या है आपके अकॉर्डिंग, वो क्या है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब वो स्टैचू है, तो रेस्ट उसको बोलते हैं रेस्ट। अगर कोई चीज, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे रख देता हूं मेज पे, ये हिल नहीं रहा, अगर मेज पे रखूंगा तो ये नहीं हिलेगा। अगर ये मार्कर मैंने ऐसे रख दिया, देखो तीनों मार्कर में से कोई मार्कर हिल रहा है, नहीं हिल रहा ना, तो इसका मतलब ये क्या है, रेस्ट पे है। तो ये क्या है, रेस्ट। तो रेस्ट में क्या लिखेंगे हम, अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे वो देखो। एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, पोजिशन इज पोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम। देखो साथ साथ उतारना भी है। पहले देखो क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो रेस्ट में है, वो अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा। जैसे देखो हम स्कूल गए, ये हमारा स्कूल है, तो हम स्कूल में गए हैं, कहाँ गए हैं, स्कूल में। अब स्कूल की हो गई छुट्टी, स्कूल की क्या होगी, छुट्टी। अब स्कूल की छुट्टी होते ही ये हमारा घर है, तो हम जाएंगे घर, यानी कि होम, ये हमारा होम है। तो हम जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो भागते हैं, भागते हो ना तुम, क्यों भागते हो, क्या तुम्हारा घर चला जाएगा यहां से, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट पे है, समझ में आ गया, वो उसी जगह पर रहता है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। और अगर जहां पर बस खड़ी है तो वो बस में बैठने के बाद, अब स्कूल की छुट्टी होते ही तुम कहां जाओगे, बस में, ये बस है तो बस में बैठोगे, तो बस भी नहीं भाग रही है ना, जब तक आप नहीं बैठोगे ना तब तक वो बस नहीं चलेगी वहां से, तब भी वो रेस्ट में है, क्योंकि वो रेस्ट में है। समझ में आई बात, अच्छी बात है, ये साथ साथ लिख लेना, ठीक है, पता लग गया इस बात का। अब आता है हमारे पास मोशन, तो दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए, मोशन का भी पता होना चाहिए। तो मोशन लिखो, अब लिखते हैं मोशन। मोशन में देखो क्या लिखेंगे, वही बात लिख रही है मोशन में भी, बस मोशन में क्या हो जाएगा, वो चेंज कर देगा अपनी पोजीशन, वो भाग जाएगा कहीं पर, ये बस चली जाएगी। अब ये बस अगर चलेगी, जब आप बैठ जाओगे तो ये बस चलने लग जाएगी, तो ये क्या हो गया, मोशन। तो एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी
टू बी इज सेड मोशन, वो गति में है, इन मोशन चेंज व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद टाइम, टाइम के अनुसार, विद टाइम उसकी स्पीड है जो, उसकी जो मोशन है जो, वो क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन है वो बदल रही है, चेंज मैंने बदलना, टाइम के अनुसार उसकी पोजीशन बदल रही है। देखो ये बस पहले कहां खड़ी थी, स्कूल के ग्राउंड में, अब कहां आ गई, आपके घर के पास, फिर ये कहां जाएगी, दूसरे व्यक्ति, दूसरे जो हमारे फ्रेंड है ना, जो हमारे फ्रेंड है ना इस बस में बैठे हैं, उनके साथ ही चलेगी, उनके घर के पास भी जाएगी, फिर उसको वहां पर ड्रॉप करेगी, फिर थर्ड फ्रेंड को ड्रॉप करेगी, तो ये आगे आगे चलती रहेगी, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, मोशन। अब बताओ, देखो अब पता चल गया ना दोनों चीजों का, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। अब टाइप ऑफ मोशन कितने टाइप के होते हैं, मोशन चार टाइप के मोशन होते हैं, सबसे पहला टाइप लिखेंगे, फिर दूसरा टाइप लिखेंगे, फिर तीसरा टाइप लिखेंगे, फिर फोर्थ टाइप लिखेंगे। पहला टाइप क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जो सीधा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। अब फोर्थ क्या, थर्ड क्या होता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इसको साफ कर दो, मोशन। इसके बाद फोर्थ क्या होता है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। देखो अब रेक्टिलिनियर मोशन है, अब मैं सीधा चल रहा हूं तो मैं क्या हूं, रेक्टिलिनियर मोशन में चल रहा हूं, ऑसिलेटरी मोशन है जो ऑसिलेट करता है बार बार, अब ये एक्स एक्सिस पे ही ऑसिलेट करेगा, सर्कुलर जो सर्कल में होगा, और रोटेशनल जो रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे भी घूमेगा एक्स एक्सिस पे, और एक होता है पेंडुलम, पेंडुलम का अभी बताऊंगा आगे, ठीक है, पहले ये देखते हैं इनकी, इसको लिखो पहले, अभी लिख लिया, शाबाश अच्छे बच्चे हैं अगर लिख लिया तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, हाँ। होता है, एक होता है पैरोडिक मोशन, पैरोडिक मोशन। अब फोर्थ नंबर पे क्या आता है, पैरोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन तो बड़ी क्लासेस में आएगा, उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, तो फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, पैरोडिक मोशन। अब देखो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन एक सड़क है, ये क्या है हमारे पास, सड़क, क्या है ये, रोड है, क्या है, रोड, ये रोड है, और यहां पर गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी है हमारी, ये गाड़ी चल रही है, तो ये कैसे जा रही है बेटा, ये गाड़ी कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ऐसे जा रही है, अब ये गाड़ी यहां आ गई, अब ये गाड़ी आगे चलेगी, अब ये गाड़ी यहां पर आ गई, अब इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कैसे चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, तो ये क्या है, इसका मतलब ये फर्स्ट मोशन है, कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। इसको लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अभी, इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड
रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ये लिख लो भाई, शाबाश। अब रेक्टिलिनियर मोशन मैंने बता दिया ये कैसे होता है। अब दूसरा मोशन पढ़ते हैं। दूसरा मोशन क्या बताया था मैंने, सर्कुलेटरी मोशन, CIRCULAR, सर्कुलर मोशन। अब ये नाइन्थ क्लास में भी पढ़ोगे आप, अगर अभी ठीक पढ़ लोगे तो नाइन्थ क्लास में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन इसकी डेफिनेशन, सर्कुलर पाथ मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो ये देखो, अब इसकी बताता हूं। देखो हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास सन, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, अर्थ। ये क्या है, अर्थ। तो ये इसके चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ये पृथ्वी है जो अर्थ, मैंने पृथ्वी, और ये पृथ्वी है जो ये इसके चारों ओर क्या कर रही है बेटा, चक्कर लगा रही है। सर्कुलर पाथ में ये चक्कर लगा रही है। ये है हमारा सन, ये क्या है, सन है। तो इसके चारों ओर क्या कर रही है, ये हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये सर्कल में घूम रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास है सर्कुलर मोशन। आज इतना ही करेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। और बेटा अच्छे बनो, अपने माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करना है और देश की सेवा करनी है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, ये ऑनलाइन क्लास का कोई फायदा नहीं है। ये होमवर्क नहीं करोगे ना, फिर कोई फायदा नहीं है। तो अच्छे बच्चों की तरह क्या करोगे, होमवर्क करोगे। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो। नाइस टाइम।